हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है गांव का। मैं एकदम बोलते एकदम प्रॉपर गांव में हूँ। तो यहाँ पर मैं जब से आया हूँ ना, मैं सोच रहा था खेतों की वीडियो बनाऊँ, तो मैं अभी यहीं पर ही मेन खेत में हूँ। अपना भाई साथ में है, पीछे देख रहे हो, ये तो हल चलाया शायद अभी यहाँ पर पीछे। हमने चलाया, हमने बहुत मेहनत की, हमने चलाया गाड़ी से, चलाया हमने हल। उस तरफ खड़ी है मेरी गाड़ी। तो अभी मैं दिखाऊँगा अभी गन्ने का खेत, और मेरे पीछे ये सरसों का खेत, ठीक है। ये है गन्ने का खेत, ये तैयार हो चुका है पूरा गन्ना। ये जिसका है मैं उससे बात तो नहीं कर पाया क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो एकदम हवा एकदम ताज़ी है, हर एक चीज़ है, और थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर, चल रहा है रोड। और मेन इसकी जो फसल है जिससे मेरी बात हुई थी वो तो अभी है नहीं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बोला एक साल लगता है पूरे गन्ने को उगने में, पूरे एक चीज़ बनाने में। और ये हो रही है यहाँ पर सरसों की खेती, यहाँ पर हल चला हुआ है, पूरी सरसों की खेती है यहाँ पर। और जितने भी दूर दूर तक दिख रहे हैं पूरे गन्ने के खेत, और यहाँ से डलता है पानी, खाद, हर एक चीज़ यहीं से डलता है। और यहाँ पर ये चौराहे पे, टी पॉइंट पे सबसे फेमस है आलू और प्याज की पकौड़ी। तो अगली क्लिप में उनकी ही दिखाऊंगा वो कैसे बनाते हैं, क्या है, कितना टेस्टी है। चलो जाते देखते हैं, खाते हैं। तो फाइनली अभी हम पकौड़ी जा रहे बनाने के लिए। तो मैं पहले बता दूं कि हम नहीं जा रहे पकौड़ी बनाने के लिए, वो बनाएगा पकौड़ी। हाँ, वही बनाएगा चाचा ही बनाएंगे पकौड़ी। मैं बताऊंगा कैसे बना रहे हो, टेस्ट कैसा है। तो मैं पहले एड्रेस बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आके खा चुका हूँ, तो मैं इसकी वजह से आपको एड्रेस भी बताता हूँ, आप लोग भी यहाँ पर और खाओ, ठीक है। यहाँ का यूपी की पकौड़ी बहुत टेस्टी रहती है, बहुत टेस्टी रहती है। प्याज और चटनी, ओह लाजवाब, पी के भी मजा आ जाएगा भाई। चटनी बोले तो एक नंबर, मैं तो पी लेता हूँ भाई, इतनी टेस्टी लगती है, मैं तो पी लेता हूँ चटनी। तो अभी एड्रेस बता देता हूँ आपको, समदपुर कांट मुरादाबाद रोड, ये यहाँ का एड्रेस है। ये टी पॉइंट है, यहाँ पर ये चौकी भी है, छोटी चौकी है एक, उधर भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं साइड में। तो ये पूरा टी पॉइंट है, टी पॉइंट पे आप लोग आ सकते हो, खा सकते हो, बढ़िया बनाते हैं यार यहाँ पर। सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का यही चीज है। मुझे वेट नहीं हो रहा है, मुझे पकौड़ी खानी। चलो चलो, ये देखो यहाँ पर एक बोर्ड भी है, ये बोर्ड अपना साइन है, किसी को नहीं पता ये बोर्ड पे भी आके देख सकते हो आप लोग। ये है रसूलपुर चौराहा निकट, क्या है, समदपुर चौराहा। तो आपको एड्रेस पता चल गया, अभी चलते हैं चाचा से बात करते हो कैसे बनाते हैं वो। ये देखिए यहाँ गन्ना शुरू हो चुका है उगना, ये पुराना कट रहा है अभी, और उस तरफ ये अभी शुरू हुआ है ना उगना। हाँ, ये अभी शुरू हुआ है उगना, अभी 15-20 दिन में और थोड़ा उगना शुरू होगा। अब चलाएंगे गांव का हैंडपंप हमारे साकिब भाई। तो अभी भाई बोतल में पानी भर रहे, जल्दी भरो भाई जल्दी। अरे ले, तूने क्या बात कर दी, चुटकी में भरनी चाहिए भाई, चुटकी में, आँख बंद करके खोली तो भरा, ओ भर गया भाई, भर गया भाई के हाथ की ताकत देख रहा है, जल्दी भर दी। मैं भी चलाऊंगा हैंडपंप। नहीं, रैन का पानी बॉटल भर चुकी है ऑलरेडी। मैं बनूंगा सनी देओल, मैं उखाड़ूंगा इसे पानी। ऑलरेडी भर चुकी है, कोई जरूरत नहीं है। आया पानी ना, मैं पी लूं। देखो प्यास भी लग रही है भाई, प्यास लग रही है मुझे। हाँ तो पी ले, प्यास लग रही है मुझे, पी ले भाई पी ले, किसने मना करा है। 2000 years later। अबे यार, कितने सदियों से प्यास था। अबे राजस्थान से आया हूँ मैं, बंजर जमीन से। क्या बोला तूने? बस आधी बोतल खाली होगी और आधी बोतल मैं भरूंगा। ये भरने, इन्हें भी कहना है, मुझे भी भरना है, मुझे पानी भी भरना है। पानी भरो 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 भरो, देखो तुम भी देखो। लेट्स गो यार, रख दिया हमने बोतल, पीछे तो कर उसे, पीछे तो कर। पगलेट है पूरा, ये पूरा पगलेट है। The task is complete. Now get lost. ऐसा मत बोल रहे भाई। Now get lost. चलो। ऐसा मत बोल। चलो चलो, पकौड़ी खानी है, मैंने पकौड़ी नहीं खाई है अभी तक। चलो आओ। चले। यार पीछे का बड़ा अच्छा लग रहा है। यूपी आगे ना बड़ा अच्छा लगता है। अभी चाचा की पकौड़ी के बाद मैं थोड़ा सरसों के खेत दिखाऊंगा आपको। ठीक है चल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। कितने की होगी, आधा किलो? 60 की। ये कितनी थी पहले वाली? आधा किलो ही थी। आधा किलो ही बनवा लेता हूँ। आधा किलो बना देना। ये हो रहा काम शुरू। चाचा कब से हो आप यहाँ पर? डेढ़ महीना। अभी इससे पहले कहाँ पर थे? घर पे से ही करते थे।
भाई लोग भी है, इन्होंने पूरा प्रॉपर एड्रेस बताया मुझे। नाम क्या है भाई आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। और आपका? शाहिद। शाहिद। तो ये निकल रही है पकौड़ियाँ। यहाँ प्लेटिंग हो रही है और यहाँ मेरी अशोक खाला आ रही है, बड़ी थकी हुई है। अरे अभी खा रहे हैं हम। कैसी लगी पकौड़ी? कैसी लगी? है ना, ये साकी बेनी का ही लौंडा है। अभी काटी। बताओ अशोक, खाओ। टेस्टी। आलू प्याज की पकौड़ी चटनी। अकेले अकेले खाएगा, मुझे कौन देगा? कहाँ है देना? आओ सो। आलू की दे दे। ये मेरी माँ है। और ये भाई है। मूली चटनी में जो टेस्ट है ना, वो कहीं पे भी चटनी नहीं है। आलू आलू की नहीं है। चटनी में बहुत टेस्ट है, खुद बनाते हैं। ऐसी चटनी ना मैंने ना काट में खाई ना मुरादाबाद में खाई। बस ओ, क्या खा रहा है? आलू की पकौड़ी बहुत मस्त बनी है भाई, बहुत मस्त। आओ तुम्हें खाते खाते आपको ये बता दूँ, ये सरसों की खीरी है। यहाँ से लेके वहाँ तक कम ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरी सारी है वहाँ गन्ने की, यहाँ सरसों की है। जब शुरू शुरू में आया था मैं, जब शुरू शुरू में आया था तो मैंने फूल खाए क्या, अभी जब यहाँ पर आके पता चला कि ये सरसों की खेती होती है पूरी यहाँ पर। और ये सारे बनाए हुए तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो चाचा, मिलता हूँ फिर दोबारा, बाय। चलो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है? अभी तो यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरे पापा बैठे अंदर। पापा कैसी लगी पकौड़ी? बहुत बढ़िया। अम्मी तुमको कैसी लगी? अरे कैसी लगी पकौड़ी? टेस्टी हो रही है बहुत। वो देखो, उन्हें देखो वहाँ बाहर खड़े। तो फिर करते हैं यहाँ पर व्लॉग एंड। और मैंने अभी भी कहा मैं ना आऊँ, ये क्या सोच सकता है मैं ना आऊँ? भाई ने मास्क नहीं लगा रखा था, नहीं तो मैं तो ले रहा था। और भाई बुला भी नहीं रहे हैं, हम पकौड़ी खा रहे थे, इस वजह से मास्क हटा रखा था हमने। चलो ठीक है, करते हैं व्लॉग एंड। साकिब क्या बोलना है भाई? कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना भाई के लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सी यू सून। स्टे ट्यून्ड, बाय। अच्छा।